धनवार प्रखंड का गोधन डैम, जिसे लोग पचखेरो डैम के नाम से भी जानते हैं। इस डैम में लोग पुसालो मनाने, सैर सपाटा करने के लिए आते थे, परंतु आज यह डैम 8 लोगों को अपने अंदर समेट लिया है। ये सभी धनवार प्रखंड के खेतो ग्राम के निवासी थे, जो नौका पर सवार होकर डैम का सैर कर रहे थे। इसी बीच नौका डूब गई। नौका पर सवार 10 लोग डैम में समा गए, जिसमें से 2 लोग किसी तरह बाहर निकले, बाकी 8 लोग डैम में ही डूबे रह गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के दर्जनों गांव से हजारों की संख्या में लोग डैम के चारों ओर खड़ा हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ घटनास्थल पर समाजसेवी भी मौजूद हैं। इस हादसे में बचे प्रदीप सिंह ने बताया कि वे स्वयं, उनकी पुत्री पलक कुमारी, उनका पुत्र शिवम कुमार सीताराम यादव, उनकी पुत्री सेजल कुमारी छोटी कुमारी, उनका पुत्र हर्षल कुमार, राहुल कुमार, अमित कुमार, पिता प्रफुल्ल सिंह, सभी ग्राम खेतों पंचायत के हैं। सभी लोग रविवार को घूमने के लिए पचखेरो डैम आए थे। बीच डैम में पहुंचते ही लकड़ी के नाव में पानी भरने लगा और देखते ही देखते नाव पूरी तरह से पानी में समा गया। नाव चालक रोहित कुमार एवं प्रदीप सिंह किसी तरह अपनी जान बचा के बाहर निकलने में सफल हो गए। घटना के बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा था, जिसे प्रशासनिक अधिकारी द्वारा समझाया जा रहा था। एनडीआरएफ की टीम के साथ लॉजिस्टिक के साथ 407 गाड़ी है, जिसको लॉजिस्टिक रहती है उस गाड़ी का स्पीड कम होता है, समझ गए ना, उसी पर सारा उलझा रहता है। बात तो समझो, आप इस तरह से लोगों को